क्या कोई ऐसा तरीका सच में है जिसकी मदद से पहले ही अनुमान लगाया जा सके कहीं आपको दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला? आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा हार्ट अटैक क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकते हैं जिससे आपको पता चले कि आपके हार्ट की कंडीशन कैसी है। प्लस एक बोनस तरीका, एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो आपको बिना किसी मेडिकल टेस्ट के भी हेल्प करेगी ये जानने में कि आपका हार्ट कैसा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्ट अटैक है क्या। हार्ट अटैक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है और एक वाइटल ऑर्गन है और ये बना होता है इनवॉलंटरी मसल से। हमारी बॉडी में मेनली दो तरह की मसल्स होती हैं, एक इनवॉलंटरी मसल्स और दूसरी वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल वो मसल होती है जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मेरे हाथ, मैं अपनी मर्जी से इनको चला सकती हूँ, जैसा चाहे जेस्चर आपको दिखा सकती हूँ, या आप वॉक करते हैं तो आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं, रुक सकते हैं, तो वो वॉलंटरी मसल का काम है। और दूसरी है इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल यानी कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो अपनी मर्जी से चलेगी, जैसे कि आपका दिल। दिल अपनी मर्जी से ऑटोमेटिकली धड़कता है और हर वक्त काम कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि आपने जब चाहा तब रुक गया। हार्ट मोस्टली ज़्यादातर लोगों में लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में सिचुएटेड होता है और इसके चार चैम्बर होते हैं, दो राइट साइड में और दो लेफ्ट साइड में। तो जो राइट साइड होती है हार्ट की, वो आपकी पूरी बॉडी से वेन्स के थ्रू ब्लड कलेक्ट करती है। ये वो वाला ब्लड होता है जिसको आप सिंपल भाषा में गंदा खून कहते हैं, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और यहाँ राइट साइड में कलेक्ट करने के बाद हार्ट इसको भेज देता है लंग्स के पास। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में इकट्ठा हो जाती है, तो यहीं पे ये जो वाला ब्लड होता है इसको प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई किस तरह से किया जाता है, ऑक्सीजन इस ब्लड में मिला दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे ये ब्लड प्योरीफाई हो जाता है और इसको कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा भेजा जाता है हार्ट में, बट इस बार कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो कलेक्ट करती है वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड कलेक्ट करती है, और जो लेफ्ट साइड होती है हार्ट की वो फिर इस पूरे प्योर ब्लड को आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, जिससे पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती है और हेल्थ मेंटेन रहती है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि हार्ट के पास तो प्योर ब्लड पड़ा होता है तो ये अपने आप को जब मर्जी चाहे न्यूट्रिशन दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ट को सप्लाई करने के लिए भी एक स्पेशल नेटवर्क बना होता है जिसको नाम दिया जाता है कोरोनरी आर्टरीज, और इन आर्टरीज के थ्रू ही हार्ट अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है। पर किसी वजह से अगर ये कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है हार्ट अटैक की। आइए इसको समझते हैं एक छोटे से सिंपल से एग्जाम्पल की मदद से। आप अपने घर में पानी पहुंचाने वाली जो पाइप्स होती हैं उनको समझिए कोरोनरी आर्टरीज। तो क्या होता है, जब आपके घर में पानी आता है पाइप्स के थ्रू, तो मान लीजिए अगर पाइप में धीरे धीरे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमने लग जाए, या मेन वाटर टैंक से ही कुछ पत्थर वगैरह या कुछ गंदगी उसमें आके उसको ब्लॉक कर जाए, तो आपके घर में पानी नहीं पहुँचेगा, और पानी नहीं पहुंचने के कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से कोरोनरी आर्टरीज में अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, खाने पीने का सिस्टम ठीक नहीं है, एक्सरसाइज ठीक नहीं है, धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगती है और उस गंदगी को नाम दिया जाता है प्लाक। साइंटिफिक भाषा में हम इसको प्लाक कहते हैं। इस प्लाक के कारण ब्लड को आगे जाने की जगह नहीं मिलती है, या थोड़ा कम ब्लड हार्ट की मसल तक पहुँचता है। और अगर हम यहीं पे इस प्रोसेस को ना रोकें, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन ना करें, तो एक दिन आता है कि आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण हार्ट को सप्लाई नहीं मिल पाती, हार्ट की मसल्स मरने लगती हैं और जिससे आपको फील होती है चेस्ट पेन, और उसी को नाम दिया जाता है हार्ट अटैक का। तो हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है, एक सिम्टम है जो दर्शाता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज ठीक काम नहीं कर रही है और आपके हार्ट को न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। अब देखते हैं हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं। 1. चेस्ट पेन। जहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे हो सकता है मीठी मीठी दर्द हो, या हो सकता है बहुत तेज दर्द हो, सुई चुभने जैसी दर्द हो। यहीं पर आपको हैवीनेस फील हो, ऐसा लगे कि चेस्ट को किसी ने जकड़ लिया है, और साथ में पसीना आए, ठंडा पसीना आए, सांस लेने में दिक्कत हो, और यही दर्द आपकी ऊपर लेफ्ट साइड ऑफ जॉ में या लेफ्ट आर्म में ट्रेवल करती है। या किसी किसी को बैक पेन भी होती है साथ में, और उल्टी का मन होना या
उल्टी का हो जाना वाकई में। जिनमें सीवियर हार्ट अटैक होता है उनमें तो ज़बरदस्त फीलिंग होती है कि अब नहीं बचने वाले, ना वो कुछ बोल पाते हैं, बस बैठ जाते हैं या फेंट होने की कंडीशन उनकी हो जाती है। सिम्टम्स के बारे में तो आपको पता लग गया, पर यहाँ पे आपका एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ये बात है कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चेस्ट में अकेला हार्ट ही नहीं होता है, यहाँ पे लंग्स भी हैं, रिब्स भी हैं, नॉर्मल मसल्स भी हैं, पीछे फूड पाइप भी है, विंड पाइप भी है, इतने सारे ऑर्गन्स यहाँ पे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी चेस्ट पेन का रीज़न हार्ट अटैक ही हो। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप पैनिक ना हो, क्योंकि अगर आप पैनिक होंगे तो आपके हार्ट को और प्रॉब्लम होगी। चलिए अब देखते हैं हार्ट अटैक के कुछ कारण। 1. CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक जम जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है और हार्ट अटैक की कंडीशन पैदा हो जाती है। 2. स्मोकिंग, सिगरेट में कुछ इस तरह के केमिकल पाए जाते हैं जो आपके ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं। ब्लड गाढ़ा होगा तो प्लेक फॉर्मेशन ज़्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं, जिससे आर्टरीज के ब्लॉकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 3. डायबिटीज़, जिन लोगों की शुगर मेंटेन नहीं होती है, काफ़ी हाई रहती है, उन लोगों में धीरे धीरे नर्वस सिस्टम, स्पेशली जो नर्व्स होती हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनको सेंसेशन नहीं होती, पेन की फीलिंग नहीं होती है। तो क्या होता है कि इन लोगों में हार्ट की जो पेन होती है, चेस्ट की जो पेन होती है, वो फील नहीं होती है, और एक दिन ऐसा आता है कि साइलेंट हार्ट अटैक के कारण इन लोगों की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। 4. ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मोटापा होगा तो फैट ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं जमेगा, और अगर वो आर्टरीज में जम गया तो ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है। और स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उनमें बाकी लोगों के कंपैरिजन में 32-33% ज़्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक का। 5. सेक्स, मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ट अटैक देखे गए हैं। इसका एक कारण है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन है, वो फीमेल्स को प्रोटेक्ट करता है हार्ट अटैक से। बट इसके लिए आपका लाइफस्टाइल भी ठीक होना चाहिए, अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो अकेला एस्ट्रोजन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। 6. इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, ये तो आप सबको पता ही है कि LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको कहा जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो बढ़ जाता है तो वो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। 7. हाइपरटेंशन, जी हाँ, बढ़ा हुआ BP, अगर BP लगातार बढ़ा हुआ रह रहा है, उसको मेंटेन ना किया जाए, तो आपके ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है, जिसके कारण ब्लड प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8. स्ट्रेस, जी हाँ, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है हर एक बीमारी का। स्ट्रेस होगा तो आपका BP बढ़ेगा, BP बढ़ेगा तो ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी ख़त्म होगी, खून गाढ़ा हो जाएगा, जमने लगेगा, प्लाक फॉर्मेशन होगी और अल्टीमेटली हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। 9. जेनेटिक्स, अगर आपके ब्लड रिलेशन में कुछ लोग आते हैं जिनको हार्ट की डिजीज़ हैं, तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट अटैक का। 10. अल्कोहल एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जी हाँ, शराब पीने वाले लोग सोचते हैं कि अकेला उनका लीवर ही इस खतरे को, इस शराब को झेल रहा है, और लीवर काफ़ी हद तक झेल भी जाता है, परंतु वो ये नहीं जानते कि साथ में उनके हार्ट पे भी बहुत बड़ा रिस्क मंडरा रहा है। और अगर तो उनका खाना पीना, उनका सोने का टाइम, बाहर का पैक्ड खाना, प्रोसेस्ड फूड, ये सब भी साथ में चल रहा है, तब तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी बहुत बड़े खतरे में है। क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हमारी मदद कर सके, जो हमें थोड़ा पहले ही सचेत कर सके कि हमारे हार्ट को खतरा है और हम सावधान हो जाएं? 1. टोटल लिपिड प्रोफाइल, इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल चेक होता है और कोलेस्ट्रॉल की सारी वेराइटी चेक होती है, LDL, VLDL, HDL, और अगर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो आप सावधान हो जाइए और यहीं से अपने लाइफस्टाइल को सुधारना शुरू कर दीजिए। 2. GPF यानी कि गामा प्राइम फिब्रिनोजन, GPF फैक्टर का जो टेस्ट है वो ज़्यादा रिलायबल है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के कंपैरिजन में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के कंपैरिजन में, ऐसा कहना है डॉक्टर डेविड फेरल का, जो कि एक रिसर्चर हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने रिसर्च की थी और आज से लगभग 4-5 ईयर्स पहले वो टेड टॉक में भी आए थे और उसमें भी उन्होंने GPF के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने उन पेशेंट्स पे स्टडी की जो हार्ट अटैक को सर्वाइव कर गए थे,
और उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल था बट फिर भी उनको हार्ट अटैक आया। तो उन्होंने सोचा कि कोलेस्ट्रॉल को एक इंडिकेटर मानना इस चीज़ का कि हार्ट अटैक आ सकता है एक अच्छी बात नहीं होगी। तो उन्होंने फर्दर स्टडी की तो उनको क्या मिला कि GPF गामा प्राइम फिब्रिनोजन जिसको कहा जाता है एक ऐसा फैक्टर होता है जो इस तरह के क्लॉट्स बनाता है जिनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ऑलमोस्ट तोड़ा ही नहीं जा सकता, डिजॉल्व ही नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसे क्लॉट्स बॉडी में बन जाते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। और उन्होंने पेशेंट्स में भी देखा कि जिन लोगों का GPF ज़्यादा था उन लोगों को ही हार्ट अटैक आए थे। तो आप भी लैब में जाकर ये टेस्ट करवा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और GPF टेस्ट आप तब भी करवा सकते हैं अगर आप 40 प्लस हैं और आप जानते हैं अच्छे से कि आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाए हैं, वजह चाहे जो भी हो। 3, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी कुछ नहीं है, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है वैसे ये हार्ट के लिए अल्ट्रासाउंड है और इसमें आर्टरीज का ब्लॉकेज काफ़ी हद तक शो हो जाता है, तो आप ये टेस्ट भी करवा सकते हैं। 4, हार्मोनल टेस्ट। इसमें आप टी ट्रोपोनिन एंड CPK हार्मोन का टेस्ट करवा सकते हैं और टी ट्रोपोनिन इसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है, खासकर उन लोगों में जिनमें हार्ट अटैक आ चुका होता है तभी ये टी ट्रोपोनिन की लेवल बढ़ती है, क्योंकि टी ट्रोपोनिन जो है वो पाया जाता है हार्ट की मसल्स के अंदर और जैसे ही वो ब्रेक होती हैं, मरती हैं, तब ये रिलीज होता है और ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा लेवल टी ट्रोपोनिन की होगी उसका मतलब होगा कि उतना ही इंटेंस हार्ट अटैक आया है। 5, ट्रेडमिल टेस्ट। ये एक स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसको लगभग 8 से 12 मिनट के लिए ट्रेडमिल पे किया जाता है। आपको ट्रेडमिल पे चलाया जाता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है और देखा जाता है कि आप कोई चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील तो नहीं कर रहे और कितनी का ड्यूरेशन में आपने चेस्ट डिस्कम्फर्ट जो है फील करना शुरू कर दिया है। तो आप देख लेते हैं कि क्या कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं जिनसे हमें इस कंडीशन से मदद मिले। तरीके तो बहुत सारे हैं, परंतु उन तरीकों को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फो देने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपने हार्ट की कंडीशन को जान सकते हैं और अपने आप को हार्ट अटैक से अच्छे से बचा सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेस्ड है एक रिसर्च के ऊपर जो हाल ही में हुई है जिसका नाम है सर्केडियन क्लॉक इन द किडनी रिसर्च। आप ये गूगल कर सकते हैं, अगर आप इस हेडिंग को डालोगे तो अपने आप से बहुत सारे आपको लिंक्स इस रिसर्च के मिल जाएंगे। ये जो रिसर्च है ये बेस्ड है ब्लड प्रेशर पे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है अगर उसको 24 घंटे में नापा जाए एक दो दो घंटे के गैप में तो ये कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं आता है, कभी ये थोड़ा अप होगा कभी थोड़ा डाउन होगा, मतलब एक ग्राफ चलता रहता है इसकी वेरिएशन का, जो कि एक नॉर्मल बात है और वैसा ही होना चाहिए। और नॉर्मली जो BP सबसे ज़्यादा आता है वो आता है सुबह 9-10 बजे के करीब और सबसे कम जो आता है वो आता है रात को ठीक इसी टाइम पे 9-10 बजे। और सुबह और रात वाले इस BP में 10 से 20 पॉइंट का डिफरेंस रहता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो सर्केडियन क्लॉक वाली स्टडी है इसको बहुत सारे लोगों पे किया गया और इस रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों के सुबह और रात वाले ब्लड प्रेशर में डिफरेंस नहीं आता है उनको कहा जाता है नॉन डिपर्स, यानी कि कोई डिपिंग नहीं हो रही है। और जिन लोगों के ब्लड प्रेशर में सुबह और शाम वाले ब्लड प्रेशर में डिफरेंस आता है 10 से 20 पॉइंट का उनको नाम दिया गया डिपर्स। और जब डिपर्स और नॉन डिपर्स में फर्दर स्टडी को किया गया ये पाया गया जो नॉन डिपर्स होते हैं उनमें कार्डियक प्रॉब्लम यानी कि हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी तरह की डिजीज़ से लेकर हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं डिपर्स के कंपैरिजन में। तो आपको घर बैठे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही चेक करना है कि आप डिपर की कैटेगरी में आते हैं या नॉन डिपर की कैटेगरी में और उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। और ये जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह 9-10 बजे अपना BP चेक कर लेना है और उसको नोट डाउन कर लेना है। जब BP चेक किया जाता है तो उसमें एक ऊपर वाला BP होता है जिसको सिस्टोलिक BP कहा जाता है और एक नीचे वाला होता है जिसको डायस्टोलिक BP कहा जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अपना सिस्टोलिक BP उसको लिख लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको गुणा करना है 90/100 से और जो लेवल आएगी आगे उसको लिख लेना है अपने पास। मान लीजिए आपका सुबह का BP आता है, सिस्टोलिक BP आता है 150, तो आप 150 लिखिए गुणा 90/100 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब आप रात को ठीक इसी टाइम पे 9-10 बजे फिर से BP चेक कीजिए। अब जो BP आता है वो आपका कम से कम 10 से 20 पॉइंट नीचे होना चाहिए,
जो आपने मल्टीप्लाई करके जो एक नंबर निकाला था, मान लीजिए 150 अगर आपका सिस्टोलिक बीपी आया था और 90/100 से आपने मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकाला था 135, तो आपका जो रात वाला बीपी है वो इससे नीचे नीचे होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो मान लीजिए आप ठीक हैं और आपका हार्ट भी अच्छी कंडीशन में होगा। पर वहीं अगर ये रात वाला बीपी आपका सुबह वाले बीपी के जितना ही आता है या उससे बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो फिर आप अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, आपके लिए हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। हम एक दिन के टेस्ट पे रिलायबल नहीं रह सकते, तो इसलिए आपको ये जो बीपी मेज़र करने वाला एक्सपेरिमेंट करना है ये आपको कम से कम 3 से 6 दिन करना है। तो जो नॉन डिपर वाले लोग हैं उनको ध्यान रखना है 3 बातों का। एक, उनको 16 आवर की फास्टिंग करनी है, 16 घंटे तक उपवास में रहना है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 8 घंटे के अंदर अंदर अपने 3 मील खाते हैं तो 3 मील, 2 मील खाते हैं तो 2 मील खा लेने हैं। मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो आपका जो डिनर है वो 4 बजे हो जाना चाहिए शाम को। और दूसरा, खाने में क्या खाएं? आप जो भी पका हुआ खाना खाते हैं वो तो आप खा ही सकते हैं, पर उस पके हुए खाने से ठीक पहले आपको कच्चा खाना खाना है, कच्ची सब्जियाँ या कच्चे फल फ्रूट। और ये कच्चे सब्जियाँ और फल फ्रूट जो खाने हैं वो पके हुए खाने से पहले ही खाने हैं। तीसरा, आर्टिफिशियल लाइट से दूर रहना है, खासकर रात के टाइम को, सोते टाइम को। सही टाइम पे सोना है, मोबाइल लैपटॉप जैसी चीज़ों को दूर रखना है और धरती के संपर्क में रहना है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हरी ध्रुव में, घास में, मिट्टी में चलो, बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है। अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ जाएगा, आप नॉन डिपर से डिपर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर आपको लंबे टाइम से भी कोई ब्लड प्रेशर की गोली लगी हुई है वो भी धीरे धीरे आपकी कम होना शुरू हो जाएगी या हो सकता है पूरी तरह से ही छूट जाए। इस तरह से आप रिस्की जोन से नॉन रिस्की जोन में आ जाएंगे और आपके हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाएगा। रही बाकी प्रिवेंशंस की बात, तो वो आपको अपने कॉज के अकॉर्डिंग करनी है। मान लीजिए अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम कीजिए, शुगर ज़्यादा है तो शुगर को मेंटेन कीजिए। और जो हार्ट के पेशेंट है वो अपनी लाइफस्टाइल में चाय की जगह अर्जुन की छाल का काढ़ा पी सकते हैं। पंसारी की शॉप में आसानी से आपको अर्जुन की छाल मिल जाती है। और जो लोग हार्ट पेशेंट नहीं हैं वो सर्दियों के महीनों में, खासकर अक्टूबर से जनवरी के बीच में, अर्जुन की छाल का काढ़ा पियेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और साथ में योगा अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें, और उसमें भी अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ये देखा गया है कि पेशेंट्स जिनमें हार्ट ब्लॉकेज पाई गई, अगर उन्होंने अनुलोम विलोम योगा किया 3 से 6 महीने लगातार किया, तो उनकी जो बाईपास आर्टरीज होती हैं वो ओपन अप हो जाती हैं, काम करने लगती है और उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस तरह के हार्ट डिजीज़ के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, तो आप अपने आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए सवाल, सवाल बहुत ही ज़रूरी है, तो अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सवाल ये है कि आजकल पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लोग नॉर्मली हंसते गाते वेडिंग में कहीं भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि मान लीजिए अगर किसी को आपके सामने हार्ट अटैक आ जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं या उसके साथ वाला पर्सन क्या कर सकता है उस पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए। शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।